हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टी पॉइंट। मैं हूं आपका अपना अभिषेक सचदेवा और आज हम आए हैं इंडिया की मोस्ट अवेटेड मूवी थग्स ऑफ हिंदुस्तान का रिव्यू करने के लिए। फाइनली जिस मूवी का इंडिया को इंतजार था वो बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी है और लोग इसे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में देखने के लिए आ रहे हैं। तो चलिए आइए लोगों से ही पूछते हैं कि उनको ये मूवी कैसी लगी, क्या चीज़ उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय की मूवी में और वो लोग कितना पसंद करते हैं इस मूवी को। हाँ जी सर, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी, एक्शन सीन काफ़ी अच्छे थे उसमें। अमिताभ बच्चन, आमिर खान दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और हीरोइन ने भी अपना पूरा बेखूब रोल निभाया है। मूवी सब मिला के बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी थी। देखने में ऐसे लग रहा था कि बहुत एक्शन, बहुत ज़्यादा एक्शन होगा, लेकिन बहुत फनी मूवी भी थी, एक्शन भी था, ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी थी। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग बहुत अच्छी, मेरे को सबसे बेस्ट उन्हीं की एक्टिंग लगी, मतलब अमिताभ बच्चन। और एक्शन कैसा लगा मूवी का? बहुत अच्छा था। सबसे अच्छी चीज़ अगर मैं पूछूं कि मूवी में क्या थी तो वो बताइए आप। उसमें सभी की एक्टिंग अच्छी थी और अमिताभ बच्चन की एक्टिंग सबसे बेस्ट थी। मूवी बहुत बढ़िया थी, आमिर सर की एक्टिंग बहुत बढ़िया, आमिर सर इज़ दी बेस्ट, इससे बढ़िया कोई नहीं है। 100 out of 100 मार्क्स मिलेंगे मूवी को, बहुत ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो आप कहोगे कि जिसके लिए पब्लिक को मूवी देखनी चाहिए वो क्या थी? आमिर खान। ऐसा क्या था उनकी एक्टिंग में? रोल बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया सर, सबसे बढ़िया। सारों के सबसे अच्छे अच्छे थे, किरदार से सारे सबसे बढ़िया थे। अच्छी थी। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? अमिताभ सर का काम। आमिर का नहीं अच्छा लगा? आमिर सर का अच्छा है, उनसे तो एक्सेप्शन रहती है। अमिताभ सर काफ़ी दिनों बाद आए हैं अपने लाइन में। कैसी लगी मूवी आप? अच्छी लगी बहुत। मूवी में ऐसा क्या चीज़ था जो लोगों को देखनी चाहिए मूवी में? अमिताभ के जो पिक्चर आई, इतनी उम्र में भी इतनी बढ़िया एक्टिंग करी, कमाल के थे, बहुत अच्छी। काफ़ी सारी उन्होंने लड़ाई की मूवी में, तो वो कैसा लगा उनका एक्शन? बहुत अच्छे एक्शन सीन से जो स्टार्टिंग थी मूवी की वो तो बहुत अच्छी थी। ट्विस्ट बहुत थे, मतलब कभी इधर धोखा दे दिया, कभी इधर धोखा दे दिया, कभी नहीं पता लग रहा कभी वो धोखा दे दिया कुछ भी। मैंने सुना है कि पीके और जो 3 Idiots आई थी उससे कंपैरिजन में थोड़ी कम है। थोड़ी कम है, बिल्कुल थोड़ा कम है उससे, तो क्योंकि उसमें अच्छा मिर्च मसाला था, इसमें थोड़ा कम है। मूवी अच्छी थी, आमिर खान और अमिताभ का रोल बड़ा अच्छा था और आमिर खान कभी कभी आते हैं, काफ़ी टाइम बाद आते हैं, लेकिन अच्छा रोल होता है उनका। और अमिताभ बच्चन ने एक्शन किया है काफ़ी टाइम बाद, तो वो कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रोल निभाते हैं हमेशा ही, जो है अमिताभ बच्चन हमेशा ही बेस्ट रहे हैं हमेशा अपनी लाइन में। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी मूवी? आमिर खान का रोल। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग नहीं पसंद है? बहुत गदर। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? आमिर खान की एक्टिंग और अमिताभ बच्चन सर की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी उसके अंदर। अमिताभ बच्चन का रोल कैसा? बहुत अच्छा लगा उनके, तो हमें पता है कि बहुत फिनोमिनल एक्टर हैं, तो बहुत अच्छा रोल था उनका। हाँ जी सर, कैसी लगी मूवी? वाकई हिंदुस्तान के ठग दिखाए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ऑनेस्ट दिखाए हैं। मैम, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मूवी में? फाइटिंग। अमिताभ बच्चन ने काफ़ी टाइम बाद एक्शन किया है इस मूवी में, तो वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इंस्पिरेशन मिलती है ना, इतनी एज में आके भी कैसे वर्किंग है उनकी। मूवी के गाने कैसे लगे? मूवी गाने ठीक थे, थोड़े सॉन्ग्स कम थे, 2 या 3 सॉन्ग्स थे और ज़्यादा अच्छे सॉन्ग्स नहीं थे बाकी मूवीज के अकॉर्डिंग। गाने बहुत अच्छे थे सर, मूवी के सभी गाने बहुत अच्छे थे। गाने मूवी के अच्छे थे, ठीक ठाक थे। एक माँ वाला सॉन्ग था, वो मुझे उसका नाम नहीं पता, वो काफ़ी अच्छा। मूवी के गाने तो एक दो ही हैं बीच में, मतलब कि ठीक है, ठीक ठाक है। हाँ अच्छे थे गाने तो, ठीक ठीक हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं लगे क्योंकि एक्चुअली क्या इन्होंने मूवी कोई रोमांटिक मूवी तो है नहीं। और कैटरीना कैफ की एक्टिंग? कैटरीना का उनका बहुत कम काम था, बहुत ही बस एक तरह का ऐसा सोचो आइटम नंबर था। ये कह सकते हो कि सिर्फ नाम उनका यूज किया मूवी को प्रमोट कर? हाँ ऐसा मान लो, सिर्फ आइटम नंबर के लिए ओनली। और अमिताभ बच्चन और आमिर खान पहली बार आए हैं मूवी पे, तो क्या कहना चाहोगे? अब जैसे आपको पता है कि अपना यूथ आमिर खान को प्रेफर करता है और उन्होंने इस मूवी में अमिताभ बच्चन को लेके जो अपना ओल्ड एज है उनको भी कंबाइन करके अपनी रेटिंग को मतलब स्ट्रॉन्ग किया काफ़ी ज़्यादा। दोनों की जोड़ी अगर हम कहें कि पहली बार इकट्ठी आई है, तो वो देख के कैसा लगा आपको? बहुत सही था, काफ़ी मज़ेदार सा था। और 5 में से कितने स्टार्स दोगे मूवी को? 5। 5 में से 4.5। 5। आप? 4। आप? 5। 4.5। हाफ जो स्टार काटा है वो कहाँ से काटा? एक्चुअली थोड़े सॉन्ग्स कम थे, 2 या 3 सॉन्ग्स थे और ज़्यादा अच्छे सॉन्ग्स नहीं थे। हाँ 5 स्टार मिलना चाहिए। मैम आप? 5 स्टार। आप? 5। 5 स्टार। 5 स्टार। आप? 5 स्टार। 5। 4 स्टार्स। 1 स्टार जो काटा है वो कहाँ से? बस वही जो कह रहे हैं थोड़ा कम है। मूवी को 5 में से कितने स्टार्स दें? 5। सर आप? 5 है। 5 out of 5 सर।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि इंडिया उम्मीद कर रहा था कि थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी हिट जाने वाली है, लोगों को ये मूवी इतनी पसंद नहीं आई। हालांकि उन्होंने ऐसा भी कहा कि ये मूवी वन टाइम वॉच है, लेकिन फिर भी उनको मूवी ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो अगर आप ऐसे ही रिव्यूज़ और पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल टी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक अकाउंट को लाइक कीजिए और हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।